डिस्काउंट करके 650 आ रही है भैया। इतने ज़्यादा ज़्यादा प्राइस अलग लगेगी, आपका 480 आएगा। फैंसी बाजार, इट्स अ पॉपुलर मार्केट इन गुवाहाटी और वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं और आप वहाँ बार्गिन कर सकते हो। तो इट्स जस्ट लाइक सरोजनी नगर ऑफ दिल्ली। तो आज मैं वहाँ जा रही हूँ आपको लेके अपने साथ। दिन के 2 बज रहे हैं, इट्स पिकिंग हॉट आउटसाइड एंड दिस इज व्हाट आई हैव। चिल चिलाती गर्मी में काले कपड़े पहन के मैं निकल पड़ी फैंसी बाजार को। इस बार ये गाड़ी नहीं ली क्योंकि मुझे मेरी ड्राइविंग स्किल्स पे तो पूरा भरोसा है, लेकिन फैंसी बाजार की पार्किंग स्पेस पे कोई भरोसा नहीं है। इट्स ऑलवेज बेटर टू डू ऊबर, और आप अगर स्कूटी चलाते हो तो वो भी बहुत अच्छा है। टू व्हीलर्स को पार्क करना हमेशा ही ईजी होता है। एनीवे, तो मैंने लोकेशन डाली थी मस्जिद, फैंसी बाजार मस्जिद, और भैया ने हमें एग्जैक्टली अनु शॉप के बाहर उतारा। तो अगर आप भी पहली बार जा रहे हो तो आप अपने किसी भी स्पॉट से फैंसी बाजार मस्जिद को अपना लोकेशन बनाना, और ये बिल्कुल आपको अनु शॉप के बाहर रुकेंगी। और इसके बारे में तो मैंने बहुत सुना है, आप में से कई लोग मुझे बोल भी रहे थे कि अनु शॉप में जाओ, अनु शॉप में जाओ, और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी रेडीमेड कपड़े मिलते हैं। तो मैंने भी सोचा मैं भी एक्सप्लोर करती हूँ। पहले मुझे याद है जब मैं एक बार यहाँ गई थी तो यहाँ पे फिक्स्ड प्राइसेस का बोर्ड लगा हुआ था। आई डोंट लाइक गोइंग टू फिक्स्ड प्राइस प्लेसेस, मुझे बार्गेन करना थोड़ा अच्छा लगता है। तो इस बार लेकिन उन्होंने कहा कि डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप खरीदते हो। तो कोर्ड्स के काफ़ी अच्छे अच्छे सेट्स थे इनके पास, और सबकी प्राइस 2000 के ऊपर ही थी। जैसे ये पिंक वाला जो था, इसकी भी ये कोर्ड सेट था और इसकी प्राइस थी 2200 रुपीज़ के आसपास। लेकिन जो भी थे, मैंने जितने भी कोर्ड्स सेट्स यहाँ पे देखे उन सबकी प्राइस 2000 से ऊपर थी। इस शर्ट ड्रेस की प्राइस थी 2100 रुपीज़ और इन्होंने बोला 10% ऑफ भी हो जाएगा। आई फील इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा अगर निगोशिएट करोगे तो आप अच्छा खासा बार्गिन कर सकते हो। बट ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी अच्छे कलेक्शंस ऑफ समर वेयर्स मुझे दिखे। कोट्स की बहुत अच्छी कलेक्शन है, कॉटन ड्रेसेस भी है इनके पास, और स्कर्ट्स में भी काफ़ी अच्छी वेराइटी है। बस थोड़ा आपको एक्सपेंसिव लग सकता है, क्योंकि मुझे भी लगा अगर सारी चीज़ें 2000 के ऊपर हो तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो ही जाता है। एनीवे, यू शुड डेफिनेटली गो एंड चेक दिस प्लेस आउट अगर आप फैंसी बाजार जाते हो। एंड इट्स क्वाइट ईजी टू लोकेट दिस प्लेस। ये बिल्कुल आंटी शॉप के बगल में है और मस्जिद के पास में। एनीवे, उसके बाद हम गए मस्जिद लेन के ट्रेड सेंटर में। इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी अच्छी दुकानें हैं। मुझे याद है मैं आपको एक बार यहाँ ले गई थी मेरे एक बहुत पुराने वीडियो में, उसके बाद खैर मुझे मौका नहीं मिला जाने का। तो हम इस लेन के अंदर गए और अंदर जाते ही आपको यहाँ पे ज्वेलरीज एंड एक्सेसरीज की काफ़ी सारी दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ मेकअप किट्स भी आपको बहुत अच्छे लोकल ब्रांड मिलेंगे। और इस वाली शॉप में मैं गई थी आपको लेके, और यहाँ मिलता है मणिपुरी गोल्ड। मैंने यहाँ से 2 बहुत सुंदर सुंदर नेक पीस खरीदे थे, वो अभी भी मेरे पास है और उनको मैंने काफ़ी अच्छे से रखा है, तो उनकी कलर अभी भी बहुत इंटैक्ट है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा एक्चुअली। फिर उसके पास में मैंने ये शॉप देखी और मुझे लेना था गजरा, क्योंकि मैं मेखला चादर की काफ़ी वीडियोज़ आपके लिए बनाती हूँ, शॉर्ट्स वाली वीडियोज़। तो उसमें ना मुझे अपने बालों को टाई करने में बहुत टाइम लगता है, तो आई गेस अ गजरा मेक्स योर हेयर लुक रियली वेरी ट्रेडिशनल एंड ब्यूटिफुल। तो ये गजरा मैंने इस दुकान से ख़रीदा और इसकी प्राइस थी 50 रुपीज़। इसमें कोई बार्गेन नहीं था, वैसे मैंने फिर भी कोशिश की बार्गेन करने की बट मुझे मिला नहीं। एनीवे, फिर मैंने सोचा मैं अपनी मम्मी के लिए कैसा हूँ उनके थोड़े गहने देख लूँ, पर इनके पास नए कलेक्शन उतने नहीं थे और उन्होंने बोला कि कमिंग वीक्स में इनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन आ जाएंगे। तो अगर आप फैंसी जाने का प्लान कर रहे हो तो आप इस भी शॉप को ज़रूर चेकआउट करना, यहाँ पर बहुत अच्छा आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। और इसी लेन में अगर आप सीधे सीधे जाओगे तो आपको यहाँ पर एक फेमस बैग की शॉप मिलेगी, MS बैग हाउस, और ये एक्चुअली यहाँ का लोकल मिनीसो मैं इसको कह सकती हूँ। यहाँ पर आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी अफोर्डेबल प्राइजेस में चीज़ें मिल जाती हैं, राइट फ्रॉम मेकअप, एक्सेसरीज, अपैरल सब मिलते हैं। बट ड्यू टू सम रीज़न मैं वो फुटेजेस नहीं ढूंढ पाई जो मैंने इसके अंदर की थी, बट मुझे जैसे ही मिलेगा मैं उसके ऊपर भी आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी।
जैसे ही आप इस दुकान को एग्जिट करते हो, इसकी बैक साइड में आपको कपड़ों की बहुत अच्छी अच्छी लाइन से दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ पे काफ़ी सस्ते और अफोर्डेबल रेट में आपको कपड़े मिल जाएंगे। जैसे कि जितने भी आप यहाँ पे ये टॉप्स देख रहे हो, इनकी प्राइस 300 रुपीज़ से स्टार्ट हो रही थी और आप यहाँ पर अच्छा बार्गेन भी कर सकते हो। साथ में आपको ज्वेलरी की भी यहाँ पर अपोजिट में काफ़ी अच्छी अच्छी दुकानें मिल जाएंगी, और घर को सजाने के लिए भी यहाँ पर डेकोरेशन के पीसेस और काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको इसी लेन में, मस्जिद लेन में मिल जाएगा। तो अगर आप फैंसी जाते हो तो दिस इज़ अनदर मस्ट विजिट प्लेस आपकी हर एक नीड के लिए। यहाँ पे आपको जैसे मैंने पहले ही बोला, हर चीज़ मिल जाएगी। फिर मस्जिद लेन से हम बाहर निकले टू एक्सप्लोर मोर शॉप्स, और ये मुझे एक दुकान दिखी थी जहाँ पे अच्छे अच्छे टॉप्स के कलेक्शन थे, बट प्राइसेस 700 के ऊपर थी। 500 में भी डेफिनेटली कुछ होगा, बट मुझे इतना खास नहीं लगा और थोड़ा प्राइसी लगा। तो फिर हम थोड़ा और आगे गए और जस्ट उसके ऑपोजिट में हमें और एक काफ़ी अच्छी दुकान दिखी। बिल्कुल इस शॉप के ऑपोजिट पे और एक दुकान दिखी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी, तो वहाँ खूब इन्फॉर्मेशन अलग अलग है। ये आपका 480 आएगा। 480। इसमें कलर का ऑप्शन है मैडम, फिक्स्ड है क्या? नहीं फिक्स नहीं है, आपसे ज़्यादा नहीं बता रहा, कम ही बता रहा। और ये शर्ट्स, ये भी 480 का है, डिस्काउंट करके 450 होगा आपको। शर्ट नाम है कौन है? शर्ट तो सौ पड़ा। ये कोट सेट्स कितने हैं? ये कॉट सेट्स कितने हैं? सेट पूरा सेट आएगा 450। और ये ड्रेसेस सबका अलग अलग 750, 800। ठीक है, मुझे लाना है। डिस्काउंट करके 650 आएगा। भैया इतने ज़्यादा प्राइस बोल रहे हैं आप, तो मैडम आपकी कमी बता रहा हूँ। बाकी कॉटन में चाहिए तो इस टाइप में होगा। ये कॉटन वाले कितना है? ये आपका 750 है। 750, अच्छा डिस्काउंट हो जाता है ना यहाँ पे। एड्रेस का बिल्कुल मस्जिद के पास में है ना आपका शॉप? आपकी शॉप का नाम क्या है? हमारे शॉप का नाम ये आएगा आपका हीरो फैशन। हीरो फैशन, हीरो फैशन, ओके। तो ये था ईरो फैशन, और आपको यहाँ ज़रूर जाना चाहिए। इनकी कलेक्शन बहुत ही अफोर्डेबल और अमेजिंग थी। मैंने भी एक आध चीज़ खरीदी, और अगर मैं हॉल वीडियो करती हूँ तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। उसके बिल्कुल बगल में आपको ये शॉप मिल जाएगी, यहाँ पे आपको कैसा होन और नॉर्मल एक्सेसरीज़ मिल जाएंगी। ये भी बहुत अफोर्डेबल थी। ये छोटे खूब ईयरिंग्स मैंने देखे, इसकी प्राइस इन्होंने 30 रुपीज़ बोली थी और मैंने इसको 20 रुपीज़ में लिया था। और इसी तरह से क्लच भी मैंने खरीदा, 20-20 रुपये के यहाँ पर क्लच मिल रहे थे। तो यहाँ से थोड़ी शॉपिंग करके हम थोड़ा और आगे गए, और मेरी कज़न को लेना था अपने लिए कुर्ती, तो हम कुर्ती की शॉप ढूंढने लग गए। और ये कुर्ती वाली वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो पे, जो मैं नेक्स्ट वीक डालने वाली हूँ। और आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी, तो आप ज़रूर जाना अनु शॉप, हीरो शॉप, और एक्चुअली मस्जिद के आसपास ही आपको काफ़ी अच्छी अच्छी दुकानें मिल जाएंगी। और अभी मैं बता सकती हूँ कि समर कलेक्शन काफ़ी अच्छे आए हुए हैं फैंसी बाज़ार में, और फैंसी में ना आप काफ़ी अच्छा बार्गेन कर सकते हो और अच्छे कपड़े भी मिलते हैं वहाँ पे, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो या गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीक ज़रूर आना फिर पार्ट टू देखने के लिए। और बीच बीच में मैं आपके लिए मेखला चादर वीडियोस डालती रहूँगी, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। एंड आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो प्रिटी सून, तब तक अपना ख्याल रखो। बाय बाय एंड लव यू ऑल।